कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो और वो है मेरी लाडली के बालों के ऊपर, हेयर स्टाइल के ऊपर, जो बहुत टाइम से मेरे को DM भी आ रही थी इंस्टा पे भी और यहाँ भी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जिन्होंने बोला हमारे यहाँ बाल राधा रानी के बाल नहीं मिलते, हम बड़े परेशान हैं, हम क्या लगाएं उनको। तो उसका आपको राधा रानी के बाल नहीं मिलते लेकिन लड्डू गोपाल के तो मिल जाते हैं ना, तो उसका सलूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और भी जो है, चाहे बड़ी वाली राधा रानी जैसे मेरी श्रीमती राधा रानी, उनके भी बाल नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको इसमें अच्छे से आपको करके बाकायदा दिखाऊंगी, बताऊंगी। और वैसे मेरा उतारने का मन नहीं है बट मैं फिर भी आपको दिखा दूंगी ऐसे ही, ठीक है, कि मैंने कैसे हेयर स्टाइल बनाया है ये वाला। और ये हेयर स्टाइल सबको पसंद आया था, यहाँ पे डेकोरेशन भी कर सकते हैं बट मैंने आज उतार दी क्योंकि कल हैवी कर रखा था और ये कर्ल तो मेरे फेवरेट है और अब तो सबके भी हो गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है भाई, अब वीडियो बना रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बताऊँगी आपको टिप्स। वैसे भी मैं आपको हर चीज़ हर वीडियो में एक टिप्स बताती हूँ, तो ये तो है ही वीडियो टिप्स के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, शेयर तो जितना हो सके उतना करना क्योंकि अधिकतर ये प्रॉब्लम सबके साथ ही है कि बाल नहीं मिलते हैं। पहले मुझे भी ये दिक्कत आती थी लेकिन धीरे धीरे करके नॉलेज होती गई और मैं सीख गई। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरी पहले तो ये लाडली की तरह राधे राधे, सबको दुनिया की सबसे सुंदर मेरी लाडली है, तो लाडो की तरह से राधे राधे। तो बैठ गई हैं लाडली और अब मैं ये बताती हूँ पहले तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो कैसे करा है मैंने। देखिए ये अब हटा के दिखाती हूँ कर्ली बाल, ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे ये बाल हैं गोल राउंड में और ये कर्ल है अलग से लग रहे हैं और ये चोटी है, इसको मैं हटाती हूँ और ये भी हटाती हूँ और ये दिखाती हूँ मैं आपको, उतार के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे हैं जो मैंने घर में अरेंज कर रखा है, ये अलग से चोटी लगा रखी है। अब ये बताऊंगी मैं कैसे कर रखी है आपको, दूसरे वाले बाल पे मैं दिखाती हूँ। और कोई सीक्रेट होते कोई बताता नहीं है लेकिन मैं ज़रूर बताती हूँ भाई, भी अच्छे लगने चाहिए। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मेरे को भी ये बोल रहा था कि मैं पहले 2-3 स्टाइल इकट्ठे कर लूँ, सोच लूँ, फिर मैं अच्छे से दिखाऊँगी आपको। तो मैंने उतार के दिखा दिया आपको कि ये मैंने कैसे लगा रखा पीछे क्लचर करके। अब पहले ये वाला मैं आपको बताती हूँ, जिसके पास भी बाल राधा रानी के बाल नहीं हैं उनके लिए ये है बहुत ज़रूरी टिप्स। आपके पास लड्डू गोपाल के बाल तो होंगे और लड्डू गोपाल के बाल तो हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, राधा रानी के छोटे बड़े हो जाते हैं। तो लड्डू गोपाल के जो आपके बाल हैं उनके साइज के जो भी बाल हैं, ठीक है, ये देखिए ये रहे ये बाल हैं मेरे, तो बड़े छोटे सब तरह के बाल हैं। ये देखिए लाडो बेटा थोड़ा सा इधर हो जाके हाथ लग जाए, हाँ ऐसे ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास तो ये बड़े हैं, ये देखिए ये छोटे हैं और एक ये हैं, सब तरह के बाल हैं। तो अगर किसी की बहुत बड़ी राधा रानी है तो बड़े साइज के ले आइए ये वाले सिंपल वाले बाल, किसी की छोटी राधा रानी है जैसे 6 नंबर है तो ये वाले ले आइए, किसी की 8 नंबर है तो ये वाले ले आइए। तो आप लड्डू गोपाल के बाल मिलते ही हैं आप वो बाल लेके, तो ये जो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है हमारा तो वो ये है। जैसे मैंने ये लड्डू गोपाल के बाल हम ऐसे लगाते हैं ना, ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे ना लगा के ये मैंने करे है उल्टा ऐसे, ये देखिए मैं अभी आपको ऊपर से करती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये लगा के फेस पे ऐसे और पीछे मैंने रबड़ बैंड या क्लेचर कुछ भी लगा दीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा जैसे मेरी लाडो ने लगा रखा है, समझ में आ गई। हमने को मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इस तरह से बाल लिए, ये देखिए इस तरह से ये लिए और यहाँ पे कर दिए और पीछे मैंने एक क्लेचर लगा दिया क्योंकि मुझे क्लेचर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये देखिए पूरा फिट हेयर स्टाइल तैयार हो गया है। और अब मैंने इनको ये वाली चोटी इस तरह से कर दी थी यहाँ पे ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, और ऊपर से उड़ा दिया दुपट्टा, कर्ली बाल लगा दिए, कर्ली बाल यहाँ अंदर से अटैच करती हूँ ताकि इसको मैं चिपकाती का मुँह ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से, तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल आपको मैं करके दिखा रही हूँ और ये लगा दिया दुपट्टा।
और लो जी रेडी हो गया मेरी लाडली का हेयर स्टाइल, फेमस हेयर स्टाइल जो सबको बहुत पसंद आ रहा, कैसे करा कैसे करा कैसे करा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने करा था, और चंद्रिका लगा दूंगी, चंद्रिका लाडली ने कहीं इधर उधर कर दिया है कि ऐसे ही दिखाओ, ठीक है चलो बेटा ऐसे ही दिखाते हैं, सब घर के सदस्य हैं। तो ये देखो कैसे लटा के आ रही है, लेकिन इसको मैं अच्छे से पीछे कर देती हूँ चिपका के। ये देखिए अभी ऊपर फैन चल रहा है ना, इसलिए। तो ये सब चोटी मैंने बताई, आप घर पर बना सकते हो, तो ज़रूर से आप ये ट्राई करना। तो देखिए सुंदर लग रही है मेरी लाडो। और ये देखिए ये एक हेयर स्टाइल ऐसे है, यहाँ पे कर्ली बाल लगा लिए, यहाँ पे भी लगा लो, ऐसे बाल लगा लिए जैसे लड्डू गोपाल के ऐसे लगते हैं। सब बच्चे ध्यान देना, जो बच्चे बड़े को तो समझ आ जाएगा, बच्चों को कई बार नहीं आता। ये हम लड्डू गोपाल की चोटी में ऐसे लगाते हैं, इसको ऐसे नहीं लगाना, उल्टा कर देना है। उल्टा करके इस तरह से हम लड्डू गोपाल के यानी कि राधा रानी के सर पर रखेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे। ये देखिए ऐसे हम ऊपर यहाँ से लाएंगे, यहाँ से ला के और पीछे को ऐसे मोड़ेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रबड़ बैंड लगा देंगे या क्लेचर लगा देंगे, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये जूड़ा टाइप हो जाएगा, या हमने लगा देंगे ऐसे क्लेचर। और ये देखिए ये ऐसे अब ये डिज़ाइन आ गया ना, ऐसे सेम जैसे ये लगा रखा है मिलाडो ने। ये आप सिंपल भी लगा सकते हो, यहाँ पर आपका मांग टीका आ जाएगा या फिर स्टोन आ जाएंगे, जैसे आप हैवी हेयर स्टाइल करना चाहेंगे, ठीक है। ये उन सब के लिए है जिनके पास राधा रानी के बाल नहीं मिल रहे, तो ये लड्डू गोपाल के पास सब जगह मिल जाते हैं, तो इसका आप इस तरह से हेयर स्टाइल बना सकते हो। और ऊपर से ये वाली चोटी, आप चोटी के लिए, चोटी अगर आपके यहाँ नहीं मिल रही, चोटी तो आम मिल जाती है, तो चोटी नहीं मिल रही तो उसका भी सोल्यूशन है, आप इस तरह के बाल ले आइए। ये देखिए ये जैसे लेडीज चोटी आती है, तीन वाले बाल होते हैं, ये रे मेरे तो खैर बहुत अच्छे वाले हैं, अच्छे वाले मैं भी लगा लेती हूँ। तो ये आप हर तरह की क्वालिटी आती है इसमें, और ये आराम से 70 से 150 रुपए के बीच में ये तीन चोटी वाले बाल मिल जाते हैं, 70-80 रुपए और या फिर 150 रुपए की ये चोटी मिल जाती है। अब इनके बाल बनाने हैं तो देखिए ये तो बहुत लंबी चोटी है, और आप इसकी यहाँ से काट के, ठीक है आपने ये काट लिया है, यहाँ पे आप काटने के बाद एक रबड़ बैंड लगा देना, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको, मैं काट के दिखाती हूँ, मतलब कटा हुआ दिखाती हूँ। देखिए मैं ये दूसरे बाल हैं जिसमें मैंने एक चोटी काट रखी है, देखो यहाँ से मैंने बाल काटे थे, वही तीन वाली चोटी है जो मैंने अभी ये दिखाई है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। ये देखो तो मैंने यहाँ से ये चोटी काटी, पहले यहाँ रबड़ बैंड लगाया, फिर चोटी काटी, फिर जो लंबी वाली चोटी अभी मैंने श्रीमती राधा रानी को वो लगा रखी है बड़ी वाली चोटी, वरना मैं आपको दिखाती, वो जो चोटी मैंने काटी उसमें भी एक इधर रबड़ बैंड लगाया, फिर मैंने उनकी चुटिया गूंद ली, जैसे हम चुटिया गूंदते हैं ना ऐसे, ये हमने इस तरह से चुटिया पूरी गूंथ ली। और आप ऐसे चुटिया गूंदोगे, देखो चुटिया आपकी, देखो मैं करके भी दिखा देती हूँ क्योंकि बड़े तो समझ जाते हैं। ये देखो इस तरह से करते हुए हम पूरी चुटिया बना लेंगे, ठीक है, और उसके नीचे भी रबड़ बैंड लगा देंगे, या फिर आप किसी चीज़ से चिपका देना, फैब्रिक ग्लू या फिर फेविकोल, ठीक है, उससे आप चिपका देना, तो आपकी चोटी बनके रेडी हो जाएगी ऐसी। और वो चोटी बनके रेडी होगी बहुत बड़ी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक लंबी चोटी में से, जैसे ये एक लंबी है, ठीक है, आपने यहाँ रबड़ बैंड लगा लिया, फिर लंबी हो गई, फिर आपने अगर दो छोटी छोटी बनानी है, चोटी अलग से बनानी है, तो आप बीच में से इस तरह से, ये देखिए दो चोटी भी अलग अलग भी बन जाएंगी, बट मैं तो कहूँगी एक ही बड़ी बना लो, और वो तो पीछे से ऐसे करके भी हम रख सकते हैं। ये देखिए अब मैं ऐसे करके रख दूँ तो कोई पता नहीं लग रहा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं चोटी दिखाती हूँ, ये बाजार वाली चोटी है, ये देखो अगर आपको ऐसी भी बनानी है तो एक ही लट में से, इसकी एक लट में से ये पूरी लंबी चोटी बन जाएगी। इसको ऐसे ना बना के, ये इन्होंने ऐसी कर रखा है जैसे कि पहले ऊपर से चोटी गूंदी हुई है, पर इन्होंने तो सिल रखा है, ये देखिए ये हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने ऐसे बीच में आप थोड़ा सा रबड़ बैंड लगा देना तो इस टाइप से हो जाएगा, बट ये रहने देना क्योंकि ये तो बहुत छोटा होता है, वैसे भी नहीं आता, तो मैं ऐसे करके रख देती हूँ। देखो किसी को क्या पता पीछे दूसरी चोटी है नहीं है, ऐसे, ठीक है।
तो और अगर आपको स्टोन लगाने तो मार्केट में ये स्टोन आराम से मिल जाते हैं, 10-20 रुपए का पैकेट मिल जाता है। तो ये स्टोन आप लगा सकते हैं छोटी गूंथ के, ठीक है। तो ये हो गया एक स्टाइल, और ये चोटी वाला स्टाइल है, ये तो आपको पता चल गया। ये वाला हमने लड्डू बाल के बांट लिए, मोड़ दिए, फिर जो हमने चोटी बनाई है उसको हमने इस तरह से ऊपर कर दिया। अब तो खुल गई, मैंने उठाया तो इस तरह से आप पीछे रबड़ बैंड लगा दो या ऑल पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं, तो हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब रही बात, चलो उतार के ही मैं दिखाती हूँ दूसरा हेयर स्टाइल। एक हेयर स्टाइल तो ये हो गया, उतार दो, लाडली उतारना ही पड़ेगा सबको समझाने के लिए। देखो ये चोटी मैंने बनाई हुई है, तो ये मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बना रखी, ये मैंने जैसे ये देखो, ये देखो अब आपको दिखाती हूँ, ये रबड़ बैंड लग रहा है ना, ये मैंने ऐसे बना रखा है, बस ऐसे लगा देती हूँ लड्डू बाल के बाल करके। और ये हम स्टाइल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, देखो बस यहाँ आप पीछे ऑल पिन लगा दो या रबड़ बैंड लगा दो, आप स्टाइल अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसे चोटी आगे भी कर सकते हो, ये देखो है ना, देख कितनी सुंदर लग रही है ना। तो कितनी तरह के ऐसे स्टाइल बन जाते हैं, तो अब आपको जान के खुशी होगी कि चलो भाई नहीं मिल रहे तो कर सकते हैं अब।